Hey guys, please subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Hi foodies, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, जिसे काबुली चना और चिकपीस भी कहते हैं। 9 से 10 घंटे हमने इसको पानी में भिगोया है। आप चाहें तो पूरी रात भी भिगो कर रख सकते हैं। अगले दिन आप देख सकते हैं छोले जो है वो फूल चुके हैं अच्छे से। अब हम इनको धोएंगे एक से दो बार साफ पानी से। छोलों को उबालने के लिए हमने मसाले लिए हैं, धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। 2.5 ग्लास पानी लेंगे कुकर में, जिसमें छोले और मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे उबालने के लिए छोलों को। सारे मसाले डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। 5 सीटी लो फ्लेम पर छोलों को उबालेंगे। ढक्कन खोलेंगे, छोलों को देखेंगे कि पके हैं या नहीं। प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, छोले जो है वो पक चुके हैं अच्छे से। ग्रेवी बनाने के लिए छोलों की हमने लिए हैं 2 बड़े प्याज कटे हुए, 4 टमाटर बड़े साइज में कटे हुए। चॉपर की हेल्प से हम फाइनली प्याज को चॉप करेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी एक फाइन पेस्ट बना सकते हैं प्याज और टमाटर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज को महीन पीस लिया है। उसके बाद जो टमाटर था उसका भी महीन पेस्ट बना लिया है। कुछ मसाले हमने लिए हैं, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, हरी मिर्च है। मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई में तेल डालेंगे हम। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, तेल को गर्म होने देंगे लो फ्लेम पे 1 मिनट तक। उसके बाद तेज पत्ता ऐड करेंगे, उसको चलाएंगे। उसके बाद जो हरी मिर्च है उसको ऐड करेंगे तेल में, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको भी मिक्स करेंगे और ध्यान से चलाएंगे। उसके तुरंत बाद ही प्याज डाल देंगे। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर प्याज को हम भूनेंगे। जब प्याज भून जाए उसके बाद सूखे मसाले में लाल मिर्च हम ऐड करेंगे प्याज में। 1 बड़ा चम्मच छोले मसाला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को एक साथ। एक से दो मिनट लो फ्लेम पर ही भूनेंगे सारे मसालों को। उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको मसाले में ऐड कर देंगे। सारे मसालों को एक साथ चलाएंगे और यहाँ पर हम अपने मसाले की भुनाई करेंगे। मसाले का भूनना बहुत जरूरी है। तेज पत्ता जो है उसको अब हम निकाल देंगे, उसका फ्लेवर जो है वो ऐड हो चुका है मसाले में, तो अब हम उसको निकाल देंगे। और 8 से 10 मिनट हमने ये मसाला भूना है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी कंसिस्टेंसी के छोले बनाने के लिए। देख सकते हैं मसाले ने जो तेल है वो छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। उसके बाद जो हमने छोले उबाले थे वो हम हमारे मसालों में ऐड कर देंगे। जो पानी था छोलों का उसके साथ ही ऐड करेंगे। और अब धीरे धीरे छोले और मसालों को
मिक्स करके अब हम छोलों को 10 से 12 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। छोलों को एक गाढ़ा काला कलर देने के लिए हम 3 से 4 टेबल स्पून चाय पत्ती का पानी यूज करेंगे। आप चाहें तो टी बैग भी यूज कर सकते हैं, जब आप छोलों को उबाल रहे हैं उसी टाइम पर आप टी बैग डाल दीजिए। देख सकते हैं हल्का गाढ़ा कलर जो है काला वो छोलों में आ चुका है। और ये धीरे धीरे पक रहे हैं, एक अच्छी कंसिस्टेंसी के जो छोले हमें चाहिए वो बन रहे हैं। 5 मिनट और लगभग पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो छोले हैं वो परफेक्ट बन चुके हैं, देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी होंगे। तो जरूर अपने घर पर ये डिश ट्राई करिएगा। अब हम इन गरम गरम छोलों को सर्व करेंगे। मैंने पूड़ी बनाई है, आप चाहें तो राइस या भटूरे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने बाकी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।